हम बात करेंगे सीमेंस की VFD के बारे में। VFD क्या है? F41, ठीक है, स्टार्टर रेसिस्टेंस मेजरमेंट फेलियर। ठीक है, जो स्टार्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसका जो मेजरमेंट है वो फेल हो चुका है। उसका कोज क्या हो सकता है? उसका कोज यही हो सकता है सिर्फ कि मोटर इज कनेक्टेड टू इन्वर्टर। ओके, या तो मोटर इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टर, चेक द मोटर डाटा हैज़ बीन करेक्टेड। ठीक है, बस इसमें यही देखा जा सकता है कि मोटर का जो डाटा है वो सही हमने फिल किया हुआ है या नहीं। और अगर इसके बाद भी आपका एरर कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको फिर रिपेयर कराना पड़ेगा इन दैट केस। और आप मेरे को मेल कर सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है, incashsales1@gmail.com, और मैंने अबाउट अस में भी अपना मेल लिखा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से लेके कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मैं जितनी भी VFDs हैं जो मार्केट में इंडिया में और ग्लोबली रन कर रही हैं, उनके जो एरर हैं फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रबल शूटिंग, मैक्सिमम एरर जितने भी हैं उन सब पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आपको मेरे चैनल पे सबकी वीडियो बनेगी, सबकी वीडियो मिलेगी, और आप उन वीडियो को देख के अपना VFD और इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, इजीली फॉल्ट फाउंडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट है, कोई नई VFD चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन क्लोज करूँगा, आपको सस्ते प्राइस में VFD दिलवा सकता हूँ। और दूसरा, मैंने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक से आप जाके उस बुक को परचेज कर सकते हैं। वो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, ऑटोमेशन के बारे में पूरा वो बुक, PLC, VFD, HMI और इस सब के बारे में आप उसको पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे और आपके जो अब जिस पोजिशन पर हैं आप इससे अपने आप को इम्प्रूव पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।